आप सभी का, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। कोरोना काल है और इस नाजुक वक्त में उत्तर प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 की तारीखों का ऐलान हुआ है। जारी आदेश के मुताबिक बीएड 2020 एंट्रेंस एग्जाम 9 अगस्त को दो पालियों में आयोजित होगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सख्ती बरतने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने निजी कॉलेजों और स्कूलों को परीक्षा सेंटर नहीं बनाया है। इस आदेश के मुताबिक इस बार बीएड 2020 की प्रवेश परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से 73 जिलों के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रदेश भर से, ये आंकड़े पर जरा गौर कीजिएगा, 4,31,904 छात्र भाग लेने वाले हैं, इन्होंने आवेदन किया। लेकिन सवाल कोरोना का है, कोरोना के खतरे का है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, फिर भी परीक्षा कैसे, महापंचायत में चर्चा इसी पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ऑनलाइन टीवी के एडिटर चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत सर आपका। एक हाल ले रहा है और इधर उत्तर प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की परीक्षा का ऐलान हो गया है। आने वाली 9 अगस्त को बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तारीख तय की गई है। प्रदेश के 73 जिलों में होने वाली इस परीक्षा में 4,31,904 छात्र शामिल होंगे। हालांकि इस परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने ही पाला खींच दिया है। अगस्त पूरा कोरोना का चरमोत्कर्ष होगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय होगा और उसके लक्षण भी दिख रहे हैं हमको। देश के स्तर पर 50,000 संक्रमित व्यक्ति रोज मिल रहे हैं और ये आज 50,000 का है आंकड़ा, ये कल 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, परसों इसे कर करके ये कहां तक जाएगा परमात्मा जाने। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। शुरुआत में हम लोगों ने चीजों को नियंत्रण में रखा, लेकिन अब कुछ एक डेढ़ हफ्ते से जो गति देश की, सोई गति उत्तर प्रदेश की। 70,000 से ज्यादा संक्रमित हो गए उत्तर प्रदेश में। इस समय 4,450,000 बच्चों का मूवमेंट, और इसमें अगर मैं कहूं पुरुष अभ्यर्थी हटा दीजिए तो महिला अभ्यर्थी के साथ तो कोई ना कोई होगा, भाई हो, पिता हो, पति हो, कोई ना कोई तो जाएगा ना, जो उसको इम्तिहान दिलाएगा, कहीं रुकाएगा। कितना बड़ा मास मूवमेंट होगा उत्तर प्रदेश में। उसके लिए 3 दिन तक 4 दिन तक अफरा तफरी रहेगी, इसकी जरूरत क्या थी? जब देश भर में सब कुछ शिक्षा से जुड़ा मसला स्थगन पर है, यूजीसी ने कहा स्थगन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थगित करो, एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल साहब ने कहा स्थगित करो, अनलॉक 3 में भी सरकार शिक्षा से जुड़े संस्थान खोलने के की अनुमति नहीं देगी, इस बात के संकेत मिल गए, तो ये लोग कुछ देख रहे हैं इसीलिए अनुमति नहीं दे रहे ना, ये तो स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं दे देते। और अगर स्कूल कॉलेज खुलने की स्थिति नहीं है तो 4,50,000 लोगों का इम्तिहान कैसे करा लोगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मान लीजिए इसमें व्यापक रूप से संक्रमण फैला तो कौन जिम्मेदारी लेगा? लखनऊ यूनिवर्सिटी लेगी, उनके वीसी लेंगे, कौन लेगा, ये शिक्षा के सचिव लेंगे? कोई नहीं लेगा। हाहाकार की स्थिति बन जाएगी। हम अपने नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा देंगे क्या? ये स्वीकार नहीं होता। इस वक्त जो करने का था वो कर नहीं रहे। मैं तो कई बार बड़ा खिन्न हो जाता हूं कि ये कैसी नौकरशाही है, कौन सी किताब पढ़ी है, भगवान जाने। उत्तर प्रदेश के मन को समझती भी है कि अपने मन से गाड़ी हांकती है। नवीन जी, 8वीं पास से भी पूछ लेते आईएएस की जरूरत नहीं, कि लॉकडाउन में क्या करें,